एक बजे तक चलते हैं। Hey guys, welcome back to my channel. I hope कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। Hey guys, welcome back to my channel. I hope कि आप सब अच्छे होंगे। तो guys, जो ये क्लिप है, मैं अपना ब्लॉग एडिट कर रही थी, तो कल के दिन, हाँ 3 तारीख को मैंने अपनी स्टार्टिंग लाइन कंप्लीट नहीं करी थी, क्योंकि मतलब किसी ने मुझे बुला लिया था, बट मेरे को लगा कि हो चुकी है। तो ये क्लिप मैं अभी ऐड कर रही हूँ, और मैं आज घर पर आ गई थी सुबह 8:30 बजे मॉर्निंग में, फिर मैं सो गई थी गाइस, क्योंकि शादी की नींद थी, 3 दिन से जगे थे, सो ही नहीं थे। और अभी हुए हैं 7, वैसे मैं 6 बजे की उठ चुकी थी, और अभी मैंने अपने सूट वगैरह भी वॉश कर दिए थोड़े बहुत से, अब व्लॉग एडिट करती हूँ और फिर व्लॉग अपलोड भी करना है गाइस। तो चल गाइस, ये जो आप देख रहे हो, ये हो रहा है भैया का जनियो, जो कि होता है सभी में होता है, और यहाँ पे मेरे से सब लोग पूछ रहे थे तू कहाँ थी, और आप देखिए पूरी शादी की सीरीज। इसको देना, अभी मांगेगा, रोकना भाई इसको, ठीक है। शंकर प्राप्त कुले ज्ञान मैदा विसितम विच्छाम देज पार्वती माता अन्नपूर्णेश्वरी नमः। कुल विष्णु भगवान चरण कम दो रहेंगे, कुल मंत्र कम काम करेगा, ज्यादा से ज्यादा मांगियो, मुंह से मांगना है पहले, मंगलो से मांगना है, क्या कहोगे, माता विच्छाम देज, मुंह से मांगते हैं ये लोग, एंजे से छोड़ो ना, लो अरे इतने ना मम्मी के पास जाओ, अब तो जो आया उसी में तो करोगे ना, इधर से जाओ, सुमन से मांग, बबलू आजा, ये दे दो, ये भी दे दो, पांच है नहीं, चार पे चढ़ाए हैं। हाँ बेटा उतरवाना था चावल का, ये भी तेरी कॉपी हो रही है, पेनों कॉपी कर रहे थे, हम भी जाने, हम भी चल 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 आगे, चल मैं पास से पढ़ने जा रहा हूँ, पढ़ने जा रहा हूँ, भैया भैया रोक ले, हाँ हम तो नहीं पढ़ रहे, रोक ले, चलो रोक ले, मेरी बायोलॉजी की नोट भूल गई, घूम रही है, बिन मौसम बरसात है, समोसे लिया, समोसे लाके खा लो, रंग पत्ते की बना दी, उसको उसको लगा मेरे ने बना कर दिया, गाइज अभी हमने नेल एक्सटेंशन करवाए, कमेंट सेक्शन में बताना, दीक्षा पकड़ियो फोन मेरा, दिखा मेरे नेल्स, दिखा गाइस को, गाइस बताना कमेंट सेक्शन में कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना, अच्छे लग रहे हैं ना आंटी, गाइस घर से सारे काम वाम निपटा के हम लोग आ चुके थे पार्लर, हम बहुत लेट हो गया था बट फिर भी कोई नहीं, और यहाँ पे मेरा फाइनल लुक हो चुका था, बट गाइस लिटरली मुझे अपना मेकअप बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और अब भैया यहाँ पे सगाई के लिए हो रहे हैं तैयार, क्योंकि शाम के टाइम की सगाई होगी, फिर उसके बाद शादी होगी। और गाइज हम लोग 7 बजे तक निकल गए थे, हम बहुत लेट हो गए थे क्योंकि बारिश का सीन भी था, बट कोई नहीं, और फिर यहाँ से निकले हम, फिर हमें थोड़ा बहुत जाम वगैरह फेस करा, उसके बाद फिर हम डायरेक्ट पहुँच गए, हम लोग आ चुके हैं वेन्यू में, और मुझे मेकअप बताना कैसा लगा, मुझे पसंद नहीं आया लिटरली, यहीं पर आई मैं ना अपना सामान लेके यहाँ पर भैया की चढ़ गई थी सगाई, 9:30 बजे तक सगाई वगैरह चढ़ी थी, फिर उसके बाद हो गई थी चढ़त, फिर हम लोग चढ़त पे चले गए थे नाच गाना के, अब बहुत देर हो गई थी क्योंकि बारात बहुत लेट पहुँची थी अंदर तक तो फिर से, बट कोई नहीं यार शादी ब्याह में तो लेट हो जाता है भाई।
अभी करवाएंगे दीक्षा दीक्षा इधर आ जा जयमाला जयमाला ये रही माइंड तो यस 3-2-1 जयमाला वगैरह होने के बाद फिर हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए। पहले भैया भाभी ने खाया, फिर हम सबों ने खाया गाइस खाना। और फिर खाना वगैरह खाने के बाद मैं दीक्षा और स्वाति दीदी और जीजू हम सब चले गए थे घर पे दीदी के कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए, क्योंकि गाइस बारिश से सारा मज़ा ख़राब हो गया था कपड़े का, सब कपड़े ख़राब खराब हो गए थे। तो फिर इस वजह से हम फिर गाज़ियाबाद चले गए थे चेंज करने। आप लोगों को मैं बहुत कम दिखूंगी और देखिए बारिश से कैसा हो गया, पूरे मेकअप सब पैसों में आग लगी। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वैसे भी जयमाला वगैरह हो चुकी हैं, फेरे वगैरह ढूंढे, खाना वगैरह हमने खा लिया, 1:30 बज चुका है। मेरा मेरे गाइस मेरे पैर पे नस की नस चढ़ गई, बहुत जोर से दर्द हो रहा है यार। जो हमारा सारा जीवन धर्म मार्ग पर चलाती है अर्धांगनी, जो बिना कुछ किए आधा पुण्य आपका अपने आप ऑटोमेटिक ले जाती है, सारी कमाई का आधा श्रेय अपने आप ले जाती है, ये है अर्धांगनी। अर्धांगनी का जीवन में एक नए अनेकों प्रकार से विश्लेषण बहुत प्रकार से कहा गया है, समय निकलेगा तो उसका समझाएंगे। तत मम लक्ष्मी रूपाय नारायणम। गाइस ये देखिए सुबह 4 बजे का मौसम है भाई, बहुत ही तेज़ वाला कोहरा है गाइस, बहुत ही तेज़ वाला, आप देख सकते हैं। ये हम क्या करें समझ नहीं आ रहा। ये कपड़े पहने हैं, हेलो अपने दिखा कपड़े, देखिए हमने अपनी ड्रेस चेंज कर ली क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फेड अप हो गए थे। मैं अपना मेकअप भी रिमूव कर लिया, तूने भी कर लिया ना? हाँ मैंने भी कर लिया। चलो गाइस वॉशरूम चलते हैं। यहाँ पर इनके फेरे हो रहे हैं 4:30 बजे, सब और बहुत ज़्यादा ठंडा, तो मैं आपके पास ही खड़ी हुई हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। देखिए ये इनके फेरे हो रहे गए, ये अब जिंदगी भर के लिए लॉक्ड हो चुके हैं, इनकी परमानेंट बुकिंग हो गई है। और अग्नि को देख करके थोड़ा ध्यान से इधर से दासुदाम गुणजनम प्रभव सलज्जाम तां त्वां न दास्म परिपालय देवि विश्वम। इधर की तरफ सामने देखो, दी आप भी
एक बार यहाँ भी देखना, एक मिनट वहाँ से आप छोड़ दोगे, एक बार पीछे से हट जाना अपना। गाइस फेरे और सिंदूर वगैरह सब लगने के बाद यहाँ पर फिर सब हम लोगों ने भाभी को ज्वेलरी चढ़ाई जो कि यहाँ से थी लड़कों वालों की तरफ से, और यहाँ पे सब ज्वेलरी गाइस बड़ी वाली भाभी हैं जो ज्वेलरी पहना रही थी, ये सामने बड़ी वाली भाभी। फिर ज्वेलरी वाली पहनने के बाद फिर टीका वगैरह हुआ भैया का, फिर उसके बाद भाभी विदा हो गई थी और हम ले आए थे भाभी को अपने पास। गाइज यहाँ पर विदाई हो रही है और गाइज मतलब जैसे जैसे सुबह बढ़ती जा रही है कोहरा वैसे ही बढ़ते जा रहा है। ये सुबह 6 बजे का सीन है, आप देखिए विजिबिलिटी जीरो है गाइज, सामने स्टेज का कुछ भी नहीं दिख रहा गाइज। गाइस आ चुकी है भाभी, लेकर आ गए हम। करिए मेरी ससुर हमारे जीने बस जीने करो मेरी नंदी चले जाएंगे बाप के तुमसी चतुर ब्रजी तुमसी चतुर ब्रज नारे साले जी के मन बसी थोड़े हैं बाल को फेंकाओ हम घर पर आ चुके हैं और आंटी ने दिया हुआ है ये मिठाई का डब्बा और बाकी चीज हम आपको बाद में दिखाएंगे क्योंकि सब पैक है।
खोलो, देखो ये भाजी, शादी का लड्डू जो खावे वो भी पछतावे, जो ना खावे वो भी पछतावे। गाइज आज का पूरा दिन तो मेरा सोने में निकल गया और अभी रात हो गई है, अभी मैं उठी हुई हूँ 11:30 बजे। हमारे क्या हमने अभी खाना खाया है और बस यही था मेरे शादी के ब्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया और कंग्रेचुलेशन भर देना कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, बहुत सारा प्यार देते रहे। राम राम जी, अल्लाह हाफिज़।